हेलो दोस्तों, मैं हूँ सार्थक एंड आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। सॉरी दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप पूरी देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, 7 8 10 मिनट की हो सकती है। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेटा है वो कौन सी कंपनी के पास है? बिल्कुल गूगल के पास ही है। मतलब अब वो चाहे इंसानों का डेटा हो या कोई भी चीज का, या जानवर का, कोई भी वस्तु का हो, या फिर किसी के भी बारे में जानकारी हो, सबसे ज्यादा गूगल के पास है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में जो गूगल की एक सर्विस है, गूगल मैप्स, आप हम सभी जानते ही है। तो आज की टेक्नोलॉजी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं है कि हम डिवाइस से हम किसी भी ऐसे मतलब शूट करें तो उसकी जो चीज है, उसकी जानकारी है, वो हमारे पास आ जाए, ऐसा कुछ आज तक बना नहीं है। तो गूगल मैप्स के बारे में आपको, अगर आपका दिमाग मेरे जैसा है, तो आपको डेफिनेटली एक सवाल आया होगा कि जो गूगल मैप्स में है वो हर चीज का लोकेशन कैसे आ जाता है। मतलब कि अगर आप रहते हो उस वो सोसाइटी या अपार्टमेंट का भी वहां पे जो नाम दिखाता है, या फिर आप बाहर निकलते हो तो बाहर कोई भी जो स्टोर है या कैफे, जिम, होटल या कुछ भी हो, उसका लोकेशन कैसे आ जाता है? मतलब कि क्या गूगल पे, गूगल के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, या फिर उसके जो सैटेलाइट्स में ऐसी कोई चीज है कि वो वहां से लेजर डाले और वो जो जगह है या कुछ भी है, दुकान या कुछ भी है, उसका जो नाम है वहां पे स्टोर हो जाए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैंने तो बहुत कुछ गूगल में जो है वो डाला हुआ है। मतलब कि कोई जगह के जो फोटो है वो भी डाले हुए हैं। मान लो कि अगर मेरे घर के सामने एक होटल है, तो उस होटल के मैंने फोटो खींच के भी वहां पे डाले, ताकि लोगों को, विजिट करने वालों को आसानी हो अगर वो गूगल मैप्स पे चेक करते हैं कि ये होटल में क्या है और कैसा है। तो ऐसे आपको बहुत सारे जो अपनी तरफ से जो गूगल में आप बहुत सारा आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि आप गूगल की हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो में अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप गूगल मैप्स में कुछ भी चीज का लोकेशन कैसे डाल सकते हैं। मतलब कि आप नॉर्मली कुछ भी सर्च करते हो कि ये स्कूल कहाँ है, ये वो होटल कहाँ है, ये कॉलेज कहाँ है, मतलब कि यहाँ से वो एफिल टावर कितना दूर है, तो वो कोई भी चीज हो वो गूगल में ऐड कैसे करते हैं? तो वो बेसिकली आप जो नॉर्मल अपने फोन से ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको फोन में जाके भी अभी बाद में दिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी कोई भी चीज को डेवलप कर पाए गूगल पे, और जो गूगल मैप्स का एक्सपीरियंस है वो सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो वो लोग वहाँ पे छोटी से छोटी चीज को भी सर्च करके पता लगा पाए कि ये चीज वहाँ, यहाँ पे ये। तो ये जो भी करोड़ों अरबों लोकेशन है ये दुनिया में, तो आप जो गूगल मैप्स में देखते हो, तो जो गूगल के एम्प्लॉय है वो घर घर जाके तो सब चीज पता लगा के गूगल मैप्स में नहीं डाल सकते ना। तो ऐसे में गूगल ने जो है वो एक चीज डेवलप की है कि लोग खुद से ही अपने एरिया को डेवलप कर पाए, या कोई भी जगह को गूगल पे दिखा पाए। जैसे कि सेम ये वही तरीके से है, जैसे कि मोदी ने जो, नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान चल रखा है, मतलब कि वो घर घर जाकर तो साफ सफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो लोगों ने, उन्होंने लोगों को ये मतलब चीज एक हाथ, एक जिम्मेदारी हाथ में दे रखी है कि आप खुद ही अपनी सोसाइटी को या अपने एरिया को स्वच्छ रखें। तो ये गूगल मैप में भी ऐसा ही, आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज को आप गूगल पे दिखा सकते, तो आपको कोई लिमिट नहीं है। आप गूगल पे किसी भी चीज, कोई छोटी से छोटी चीज हो, मतलब कि आपके कोई एक रोड पे जो ठेला लगा के बैठता है, मतलब कि वो रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन आया और आपने उसका लोकेशन दे दिया। वो रेगुलर हो तो आप, अच्छा रहेगा लोगों को ढूंढने के लिए, तो आप उसका भी लोकेशन वहां पे दे सकते हो कि, तो आप जहाँ पे रहते हो आपका जो रेसिडेंस है वो भी आप गूगल मैप्स में मतलब डाल सकते हो। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अपना जो पर्सनली आप जहाँ रहते हो वो घर का या किसी के भी घर का जो एड्रेस है वो मत डालिए, क्योंकि वो फिर एक पर्सनल बात आ जाती है, मतलब वो प्राइवेसी फिर नहीं रहती। तो ऐसे कोई भी हो, वो अपना जो घर है, घर का एड्रेस है वो नहीं डालता। अगर आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी रेस्टोरेंट है, कैफे है, जिम है, मतलब आप कुछ भी बिजनेस है, आप मतलब कि आप जो प्रोफेशनली उसको दिखाना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप्स पे उसको ऐड कर सकते। तो मैं एक बात बताऊँ कि जो मैं जहाँ पे, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उसका भी नाम जो है गूगल मैप्स में नहीं था। मतलब मैं जब लोकेशन ऑन करता था तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा था। तो मैंने फिर सर्च किया कि यार ये कैसा, मतलब मैं रहता हूँ उसका नाम ही नहीं है। तो फिर मैंने 2 साल पहले ही मैंने जो मैं जहाँ रहता हूँ उसका जो एड्रेस है वो ऐड कर दिया है। तो अगर किसी को भी ढूंढना पड़े तो मेरी सोसाइटी का नाम सर्च कर दे तो आ सकता है। तो ऐसे आप जो अपनी अपार्टमेंट या सोसाइटी है उसका नाम डालिए, तो आप ऐसे, मैंने बताया कि कुछ भी चीज आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो बड़ी बड़ी होटल है या कुछ फेमस दुकान है, उसका तो किसी ना किसी ने गूगल पे ऐड कर ही दिया होगा। बहुत सारे लोगों को पता भी है, आपके एरिया में भी पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, और वो ऐड भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके नजदीक में ही किसी भी चीज को आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर बाहर दूर घूमने गए और वहां पे कोई छोटे से गांव में कोई बड़े फेमस मतलब कुछ है देखने लायक चीज, तो उसको भी आप अगर गूगल मैप्स में ऐड कर सकते हो, अगर वो पहले से वहां पे नहीं है तो। अब अगर वो कोई चीज ऐसी मत ऐड करो कि जिस जो पहले से गूगल मैप्स में है, मतलब कि आपकी जो सोसाइटी है वो पहले से ही गूगल मैप्स में दिखा रहा है, तो आप फिर से वो मत ऐड करिए। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको जो सवाल है आपके मन में से वो क्लियर हो गया होगा कि ये इतनी सारी चीजें जो है वो गूगल मैप्स पे क्यों आई है। तो वो आपके आजू बाजू के लोगों ने, जिसको ये इसके बारे में नॉलेज है, वो ही ऐड कर सकता है। तो आज मैंने आपको बता दिया, तो आप भी खुद ऐड कर पाएंगे। आप
जो अभी बाकी की जो वीडियो है मैं आपको गूगल मैप्स में जाके मोबाइल में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो वीडियो जो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये मतलब सभी को शेयर करने वाली चीज है ताकि सभी को पता चल सके और जो गूगल मैप्स पे है वो अपने एरिया को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर पाए और एक से एक चीज को गूगल में ऐड कर पाए। और इसके अलावा आपको कई बार लगता होगा कि आप अगर जाते हो तो आपको मैप अगर आपका ऑन है तो आपको लगता होगा कि यार ये दुकान तो इतनी छोटी है फिर भी ये गूगल पे दिखा रहा है, मतलब कि ये दुकान फेमस है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा होता अगर वहां पे किसी ने भी वो दुकान का एड्रेस डाल दिया होता है या फिर दुकान वाले को पता होता है कि ऐसे डालते हैं तो वो भी डाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गूगल वाला गूगल में मतलब कि गूगल वालों ने उसको सर्टिफाइड करके डाला हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गूगल वालों को भी पता नहीं होता है कि ये चीज यहाँ पे है और वो चीज सही में वहां पर है या नहीं। तो आप ऐसे कुछ भी चीज डाल सकते, तो मतलब कि आप जो चीज है वो सही डालिए, मतलब गलत डालने का कुछ आपको फायदा नहीं होता है। तो लोगों की हेल्प करने के लिए आप जो है वो परफेक्ट लोकेशन के साथ आप वही चीज को आप वहां पे दिखाइए जो वहां पे है। तो चलिए अभी मैं मोबाइल पे जाकर आपको पर्सनली बताता हूँ कि ये सब ऐड कैसे करना है। तो चलिए मोबाइल पे जाते हैं। तो अभी जो है वो मैं आपको मोबाइल में गूगल मैप्स में एक चीज ऐड करके दिखाऊंगा आपको सिखाने के लिए। बाद में मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा क्योंकि वो वहां पे है या नहीं वो मुझे पता नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए वहां पे सिर्फ ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम मोबाइल पे आ चुके हैं और आपको जो गूगल मैप्स है अपने मोबाइल में उसको ओपन करना है। डेफिनेटली इसके लिए नेट तो आपको ऑन होना ही चाहिए। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो मैंने ये पहले ही थोड़ा लोड किया हुआ है तो ये आ गया। तो अगर मान लो मुझे ये जो मैदान है उसका पता नहीं, ये मैदान है भी या नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ बता सिखा रहा हूँ। तो ये मान लो कि एक मैदान है और मुझे इसका जो नाम है वो यहाँ पे डालना है। देखिए अभी इसका कुछ भी नाम यहाँ पे है नहीं, तो अभी मैं लोगों को पता लगे इसलिए मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका नाम डालता हूँ। तो अगर आप जो अपनी सोसाइटी या कुछ भी चीज़ हो एवरी थिंग उसका आप अगर गूगल पे नहीं है तो आप डाल सकते हो। अगर तो आपको जो भी चीज़ डालनी हो वहाँ पे आप थोड़े देर तक अपनी उंगली से टैप करके रखिए। तो आप जैसे ही ऐसे टैप करके रखोगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप्ड पिन आ जाएगा, मतलब कि हमें वो हमने अपना जो पिन है वो वहाँ पर डाला है। तो फिर आपको यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर करना होगा तो एड्रेस तो जो है वो अपने आप ही वो आ जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ वो चीज़ का नाम डालना है। तो यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है कि एड अ मिसिंग प्लेस, मतलब कि जो जगह वहाँ पे नहीं है वो हमें डालनी है। तो वहाँ पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे देखिए अब हमें नाम लिखना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ कि गांधी मैदान, तो डाल दिया। तो एड्रेस अपने आप आ गया, ये लोकेशन भी आ गई। फिर आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, मतलब जो भी कैटेगरी है। तो अभी हम यहाँ पे ग्राउंड या ऐसा कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पे इतनी आ गया है तो प्ले ग्राउंड कर देते हैं। अब जो भी है अगर कोई सोसाइटी हो तो रेसिडेंस ऐसा कुछ भी आ जाएगा तो वो कीजिए, या फिर कोई होटल है तो रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ आएगा तो आप वो डाल दीजिए। और यहाँ पे आप देखिए नीचे जो ऐड फोन है आवर्स है वेबसाइट एंड फोटोज, तो आप वो चीज़ के बारे में आप इतनी चार तरह की डिटेल डाल सकते हो। तो अगर फोटो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा, तो हमने नाम डाल दिया है। सॉरी जो नेम है वो थोड़ा गलत डाल दिया है, गांधी आता है, सॉरी गांधी मैदान हो गया। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड भी हो गया। तो बस आपको यहाँ पे जो प्लेन का आइकन है मतलब कि सैंड का वो कर देंगे तो आपका जो हो जाएगा। तो देखिए यू हैव अर्न्ड पॉइंट्स। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो आप जो आपको जो है वो गूगल लोकल गाइड का मतलब उस नाम से आपको बुलाया जाएगा। मैं तो पहले से ही वो और ये जो है वो मैं दूसरे अकाउंट से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा जो ओल्ड अकाउंट है वहाँ पे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई है। मैं तकरीबन 5 लेवल पे हूँ। तो बस ये है। तो आपको अगर गूगल लोकल गाइड बनना है तो आप यहाँ पे ट्राई इट आउट कर सकते हैं या फिर नो थैंक्स करके निकल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो हम कैंसिल करते हैं। तो जैसे कि वो जगह थी वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद 24 से 48 आवर्स के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा वो। तो बस ऐसे ही आप कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। मानो कि अगर मुझे ये चीज़ को ऐड करना है, ये कोई सोसाइटी है, तो उस पर मैं आप ऐसे टैप करके रखूँगा तो आएगा, और फिर आपको यहाँ पे नीचे जो है वो ऐड अ मिसिंग प्लेस उसके बाद आपको दे देना है। तो बस बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर मान लो आप जो कोई चीज़ है वो कोई भी मतलब कुछ भी है उसका जो एड्रेस है वो गलत है वहाँ पे, तो आप उसको सुधार भी सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे शीतल थिएटर है उस पर टैप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए उसका जो एड्रेस है वो हम मतलब एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है सजेस्ट एंड एडिट,
उससे हम जो है उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ के फोटोज़ डालोगे तो वो यहाँ पे ऐसे देखेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज़ ऐड की है उसी के आप फोटो डाल सकते हो, आप कुछ भी चीज़ के आप फोटो डाल सकते हो अगर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ को रिव्यू भी कर सकते हो, रेट कर सकते हो, उसका रिव्यू भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इससे जो आपका जो गूगल मैप का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिर्फ आपको सर्च करना और वो सब भी नहीं, ये सब भी आप कर सकते हो। तो बस यही था, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो और आप सीख गए होगे डेफिनेटली। और अगर कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अपने एरिया को डेवलप कर पाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन किसी ने डेवलप नहीं की हुई है, तो आप एक एक इंसान को शेयर कीजिए ताकि वो अपने एरिया को डेवलप कर पाए। और जो गूगल मैप्स में है वो एक एक हर छोटी चीज़ को हम सर्च कर पाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।